खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। इसी बीच बलकवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत माफियाओं ने ठेकेदार के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें वे घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार करवाया जा रहा है। बता दें, NH3 हाईवे पर ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, साथ ही नकदी मोबाइल की लूट सहित वाहन की तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान घटना में घायल ठेकेदार के कर्मचारियों का जिला अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है, जबकि घटना की नामजद शिकायत पुलिस अधीक्षक को ठेकेदार के कर्मचारियों ने की है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हम लोग आरके गुप्ता कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी है और हमारा काम फ्लाइंग में है, चोरी के ट्रैक्टर डंपरों को पकड़ना। और कल भी हम लोग ड्यूटी पे आ रहे थे, हमें सूचना मिली थी नौरंगपुरा चोर रास्ते पे दो डंपर भग के जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर शिनाख्त करने गए थे। तो हम जैसे हमारी बोलेरो हमने खड़ी करी, 50-60 व्यक्ति आए और अनाधुन लाठीचार्ज हम पे शुरू कर दिया उन लोगों ने। और 1000 जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 1000 नंबर संजय जायसवाल की गाड़ी है, वो भी खड़ी थी और सब अनाधुन जिधर मारा उधर मारा और सब बोल रहे थे कि जायसवाल लोगों का तुम पंगा लोगे, कहा कि तुम्हारी उल्टी है, उल्टी उल्टी कुछ नहीं है, दोबारा इधर आना मत, हमारी गाड़ी को तहस नहस कर दिया। और पिछले 15 रोज से विट्टू जायसवाल संजय जायसवाल के लोग हमारी गाड़ियों फ्लाइंग पे निगरानी रखते हैं और हमारा पीछा भी किया परसों के रोज क्या गाड़ी को, और आज उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। हम कितने लोगों को मारा हूँ कर सकता है, कितने लोगों को मारा? हम लोग करीबन 6 आदमी थे, तो 6 लोगों को मारा और इस तरह से मारा कि हमें एक दूसरे को पता भी नहीं कि कौन कहाँ मार खा रहा है। लाइट बंद थी और वो लोग एक एक आदमी को 8-8 9-9 जन मिलके लाठी से लात घुसे से मार रहे थे। कारण क्या रहा आपको मारने का? कारण बस यही रहा कि हम उनके ट्रैक्टर डंपर चोरी से जाने थे, तो ठीक नहीं तो फिर मारेंगे, आप इधर आओ मत, उनका ये कहना है कोई अल्टी टोकन तुम्हारा है नहीं यहाँ पे, आप इधर आओ मत। और बार बार ये बोले थे जायसवालों से पंगा लोगे, ये लोगे, ऐसे करके हम लोगों को मारा। घटना कहाँ की है? घटना ये नौरंगपुरा की है, चौरास्ते पे है। और वहाँ पर जो होटल वाला जो भाई ढाबा है, मुझे जहाँ तक ध्यान है उसने पूरा वारदात हमारी देखी है, पर आप 50-60 आदमी में वो कैसे बोले ये मैं कह नहीं कह सकता, वो वहाँ पूरा मैंने उसको देखा। उसको मैंने 2 बार बोला कि भैया बचाओ हमको यार इनसे यार, अब वो भी अकेला आदमी था, साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ रात को। क्या इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को की है आपने? पुलिस अधीक्षक को बात करी, उन लोगों ने हमको क्या करा कि भगा दिया, बोलो भगवा से। तो हम लोग पैदल पैदल भग भग के, मतलब कुछ लोग खेतों में गए, कुछ लोग रास्ते पर गए, तो पुलिस चौकी पहुँचे हम लोग, ढाबे पर पहुँचे हम, ढाबे वाले ने पुलिस को बुलाया, हमारी हेल्प करी, पुलिस वाले ले गए, तो पुलिस वाले उल्टा हमको ही चिल्लाए, बोले कि तुम क्या गाली गलौज करी, कहीं के लिए गए हमें, कहीं तुम्हारा अल्टी कहाँ है, कहीं तुम्हारे अधिकारी कहाँ है, क्यों नहीं आते तुम, हमने हमको तुमने सूचित किया क्यों नहीं करा, ऐसा आना सना बोल के ना हमें बिठाया गया। फिर हमारे अधिकारी आए हमको, फिर कसरावत ले गए ना, फिर हमारा इलाज करवाया। और कोई नुकसानी हुई आपकी? नुकसानी हुई ना भैया, मोबाइल सब तोड़ दिया भैया, और मेरे पास 2100 रुपये थे वो भी छीन लिए, ये नुकसानी भी। और अंत में जाते बोला कि किसी ने अगर किसी का नाम लिया या क्या, तो तुम्हारे घर से तुम्हारी जोरुओं को उठा के ले आएंगे और तुमको सब जानते हैं कहाँ रहता है, हमारा सब शिनाख्त करा। मैंने बोला मैं नांदा रहता हूँ। ठीक, अच्छा क्या क्या समाज है? समाज का भी नाम बताया तो और उस समाज पे भी मारा कि तुम सारे समाज के होते हुए ना हमसे पंगा ले रहो, दोबारा दिखना मत, तेरा पता मुझे पता है, किसी को बताना मत। एक्चुअल में क्या है, ये मामला है अवैध रेत उत्खनन का। गोविंदा के निवासी है संजय जायसवाल और उनका बेटा है विट्टू जायसवाल, उसका भतीजा है रजत जायसवाल, ये पूरा परिवार अवैध गतिविधियों में लिप्त रहता है। अब क्या है, पिछले कुछ दिन 2-4 रोज पहले उनका एक ट्रैक्टर डंपर अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया था, जिसका हमारी टीम द्वारा पकड़ा गया था, उसको हल्टा का चौकी पर खड़ा किया, उसी टाइम से वो कुंडस लगाए बैठे थे। जैसे ही कल हमारी फ्लाइंग NH3 हाईवे पर निगरानी में फ्लाइंग के लिए गई थी, निगरानी करने के लिए गई थी कि कोई चोरी से डंपर ट्रैक्टर यहाँ से नहीं निकले, जैसे ही वो गाड़ी वहाँ पर जाके रुकी ढाबे के सामने चाय वगैरह पीने के लिए, तो ये योजनाबद्ध तरीके से भीड़ बना के बैठे थे, गाड़ी रुकते ही सब कूद पड़े, पहले गाड़ी वगैरह का पूरी फोड़ी, फिर तो जितने भी हमारे कर्मचारी थे उनके मोबाइल वगैरह छीने, और गाड़ी में कुछ कैश था करीबन 35-40 हज़ार रुपये होंगे वो भी लूट लिए, गाड़ी फोड़ दी, सबके मोबाइल छोड़ा लिए। और शिकायत भी की है पुलिस अधीक्षक को, क्या आश्वासन मिला आपको? जी मैंने SP साहब को भी शिकायत की है इसकी लिखित में। एक्चुअली में क्या, रात में खल्टा का चौकी गए थे तो वहाँ पे मेडिकल परीक्षण क्लिक किया था, तो कसावत स्वास्थ्य विभाग ने खरगोन जिला हॉस्पिटल में रेफर किया था,
जिनको सर में चोट आई है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर में लगी है, किसी पीछे पुट्ठे में लगी है, तो खरगोन रेफर किया था इलाज के लिए। ये जो मार्केट से मरीज भर्ती हुए हैं अस्पताल में, उसमें से एक मरीज तो अच्छा है, लेकिन जो तीन मरीजों के सिर में चोट लगी हुई है उनको सीटी स्कैन की सलाह दी है। जब तक सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जो इलाज उचित इलाज मिलना चाहिए। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर लक्ष्मण आज। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।